पूर्व पीएम के बेटे और पोते पर गंभीर आरोप, हजारों अश्लील सीडी बनाने का आरोप, यौन शोषण मामले में हुआ बड़ा एक्शन, पूर्व पीएम का पोता पार्टी से निलंबित। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा का परिवार चर्चा में है, वजह है कथित सेक्स स्कैंडल। इस सेक्स स्कैंडल में देवगौड़ा के विधायक बेटे एचडी रेवन्ना और हासन सीट से सांसद पोते प्रज्वल रेवन्ना पर गंभीर आरोप लगे हैं। इन पर यौन शोषण, सेक्स वीडियो रिकॉर्ड करने, धमकाने सहित साजिश रचने जैसे आरोप लगे हैं। इस मामले में रेवन्ना को जांच पूरी होने तक पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया है। जेडीएस की ओर से कोर समिति की बैठक में रेवन्ना के सस्पेंशन पर फैसला लिया गया। जेडीएस की समिति के सदस्य जीटी देवगौड़ा ने कहा कि राज्य सरकार ने इस मामले में एसआईटी का गठन किया है, हम इसका स्वागत करते हैं। जांच होने तक हम इस मामले में कोई बयान नहीं देंगे, हम जांच में पूरा सहयोग करेंगे। रेवन्ना को पार्टी से सस्पेंड करने के संबंध में देवगौड़ा को सुझाव दिए गए थे। एसआईटी की जांच रिपोर्ट आने तक रेवन्ना को सस्पेंड किया जाता है। उन्होंने कहा कि जेडीएस पार्टी महिलाओं पर अन्याय की विरोधी है, लेकिन एक सवाल है कि जब चुनाव में सिर्फ 5 दिन बचे हैं, तब ये पेन ड्राइव क्यों रिलीज की गई है। इस संबंध में कर्नाटक के हासन में 2 मामले दर्ज हैं, एक मामला एचडी रेवन्ना और दूसरा उनके बेटे प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ दर्ज है। एक अन्य मामला नवीन गौड़ा के खिलाफ भी दर्ज है। ये भी दोनों मामले कर्नाटक सरकार के आदेश पर जांच के लिए एसआईटी को सौंप दिए गए हैं। रेवन्ना के कथित अश्लील वीडियो सार्वजनिक होने के बाद 33 साल के रेवन्ना शनिवार सुबह ही जर्मनी भाग गए थे। रेवन्ना का दावा है कि उनकी वीडियो से छेड़छाड़ की गई है और उनकी छवि खराब करने के लिए इन वीडियो को सर्कुलेट किया जा रहा है। प्रज्वल के विदेश जाने के सवाल पर पिता एचडी रेवन्ना का कहना है कि उसका विदेश जाने का प्लान पहले से ही तय था, उसे नहीं पता था कि उसके खिलाफ एफआईआर होने वाली है। उन्होंने कहा कि आमतौर पर वो बिना बताए चला जाता है और वो चला गया। क्या उसे पता था कि उसके खिलाफ एफआईआर होने वाली है या एसआईटी गठित होने वाली है। उसे जांच के लिए जब बुलाया जाएगा तो वो आ जाएगा, लेकिन ये सवाल अभी भी बना हुआ है कि वो आनन फानन में विदेश कैसे भाग गया, उनके विदेश जाने की भनक कैसे किसी को नहीं लगी। इस पूरे मामले पर कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर का कहना है कि प्रज्वल विदेश भाग गए हैं, उन्हें वापस लाकर जांच करने की जिम्मेदारी एसआईटी की है। इस मामले में जांच जारी रहेगी। जनता दल सेक्युलर नेता एचडी कुमार स्वामी ने बताया कि रेवन्ना को पार्टी ने सस्पेंड करने का फैसला किया। मुद्दे पर कांग्रेस और अन्य दलों ने बीजेपी और उसकी गठबंधन सहयोगी जेडीएस पर तीखा हमला किया है। प्रज्वल रेवन्ना से जुड़े कई अश्लील वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस ने कर्नाटक में विरोध प्रदर्शन भी किया। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाओं के साथ कांग्रेस कार्यकर्ता हुबली, हासन और बेंगलुरु सहित कई जगहों पर सड़कों पर उतरे। इन्होंने रेवन्ना की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की है।